कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में तमाम लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत है। उस समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पूरी तरह से अनिवार्य है। इसके लिए सरकार ने अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से भी बैठक कर सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करने के लिए जागरूक करने की हिदायत भी दी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अररिया के सिमराहा थाना क्षेत्र के रमई गांव में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां एक वायरल वीडियो में देखने को मिला जिसमें गांव के मुखिया और सरपंच की मौजूदगी में सारे नियमों को ताक पर रखकर दिन के उजाले में मंदिर में एक प्रेमी युगल की शादी कराई जा रही है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो इलाके में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले भोलादास नामक युवक की शादी ललिता कुमारी नामक लड़की से मंदिर में कराई गई, जो स्थानीय मुखिया सरपंच की मौजूदगी में हुई। इस शादी में ना तो लॉकडाउन के नियमों का पालन किया गया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ही रखा गया। इतना ही नहीं, प्रशासन की ओर से भी अनुमति नहीं ली गई। हद तो यह हो गई कि दिन के उजाले में दर्जनों लोगों के सामने यह शादी हुई, लेकिन इस घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं दी गई। स्थानीय एनजीओ तटवासी समाज न्यास अररिया के द्वारा इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस के लोग गांव पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। तुम मोरो देख लो जी। हां सरपंच बना ले। हां मुखिया जी सेट हो जा रहे हैं। जय हाथ खड़ी हो थप हाथ जो आ जा रहा है बाजू कदा से फूल माला से ना दादा ना प्रेम वाला मामला था। वो लोग पंचायत में सब बात डिग्री हुआ, कागज पत्र बनवा करके उसके बाद भैया मंदिर शादी करके गया। कौन लोग आए थे साथ में? जोर जलानी सब बहुत था ना साथ में। मुखिया सरपंच, मुखिया सरपंच सब बैठे हुआ था यहीं पे। क्या नाम है मुखिया सरपंच का? दिवाकर मंडल मुखिया। मुखिया सर, यहाँ पे परसों दिन में शादी हुआ था जिसका वीडियो वायरल हुआ, तो उसके बाद हम यहाँ आए मालूम करने के लिए। तो ज्ञात हुआ सबसे कि नहीं, यहाँ सही में शादी हुआ था, लव मैरिज का मामला था, लोगों के द्वारा यहाँ शादी कराया गया था। लेकिन ये जो बिहार भारत सरकार जो लगाया है लॉकडाउन, इसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग को देखना है सबको, और वो देखने का काम जो है जनप्रतिनिधि को भी उसका दायित्व बनता है। लेकिन जनप्रतिनिधि लोगों ने ही मिलकर शादी कराया तो ये बहुत आश्चर्य की बात है, जबकि इसके लिए परमिशन ले सकता था जा करके वहाँ जिला प्रशासन से, लेकिन वो प्रशासन से भी नहीं लिया, और ऐसी स्थिति में शादी भी हो गया। अब हम यह मतलब इस वीडियो को डीएम साहब के यहाँ देते हैं, डीएम साहब पर जो कर सकते हैं वो करेंगे। वहीं रमई गांव पहुंचे फारबिसगंज एसडीपीओ ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा बिना परमिशन के यह शादी कराई गई है। इस मामले में जाँच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तरह की बातें वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान में आई है, इसके उन्होंने जाँच किया है, जिसमें पता चला है कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा शादी करवाई गई है, इसमें लॉकडाउन का अनुपालन नहीं किया गया है, नहीं इसमें परमिशन लिया गया है। इस संदर्भ में कांड दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। इसमें लॉकडाउन का केस होगा और लॉकडाउन उल्लंघन का, और जो भी सुसंगत धाराएंगे उसमें कांड दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।